क्या माता को मिले? ये कहां का न्याय है? मैं बतलाता हूं कि इस देवकी के जो भी पुत्र होते जाएंगे और जन्म लेते ही मैं तुम्हें दे दूंगा, चाहे बचा उन्हें मार देना और चाहे क्षमा कर देना। कंस ने कहा तो वसुदेव हम तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, देवकी को जीवन दान दे सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहले कौन सी शर्त है? कहले शर्त ये है तब तक तुम दोनों को हमारी जेल में रहना होगा, तब तक तुम जेल में रहोगे। अब अंदाजा लगाना दोस्तों कि कोई दो जो है जीवन साथी बने हो और अचानक उन दोनों को जेल में डाल दिया जाए तो सोचो क्या हाल होगा। कहां देवकी सोचती थी ससुराल जाऊंगी और कहां जेल के अंदर जा रही। रो उठी देवकी तभी अपना माथा ठोक, विधाता क्या करूं नहीं भाग्य पर रो। वसुदेव देवकी जेल में पहुंच गए। जिन्होंने दोनों साथ में रहने की कसम खाई थी आज दोनों जेल में हैं। वसुदेव कही कही सुंदर कथा पुरानी भगवान राम थे जो अवतारी थे का राज्याभिषेक होने जा रहा था, अब वनवास हो गया। जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है और उसी समय हमारे भगवत प्रेमियों समय व्यतीत होने लगा। बिटिया ओ पूत बिटिया बैठ जा, अब थोड़े बाद बाद फुट रही है, बैठ जा बैठो। एक पल का पता नहीं होता कब किस वक्त क्या हो जाए, और पल से पल में क्या हो जाए। पानी भरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर। Thank you.
कंसुल को जन्म लेने के बाद में काट देता है, छह पुत्र मार दिए। अब जिस माता के छह पुत्र मारे जाए, और शादी के लिए वसुदेव ने सात शादी की है, किसके लिए? बच्चों के लिए शादी, क्योंकि बच्चों के लिए छह विवाह किए, किसी के संतान नहीं आई। और जिसके संतान हुई वो जन्म लेते ही मार दी जाती। एक तो संतान का मुंह नहीं देखा, और संतान का जब मुंह देखने को मिला तो मुंह देखते नहीं कि इस पे क्या मुंह दिखाना, क्या इस पे मोह करना। सातवें की बेलाई तो भगवान ने सोचा, इसमें तो जो त्रेता में लक्ष्मण थे लघु भ्राता, अब बड़े भ्राता बन के जा रहे हैं। भगवान का भी नियम ऐसा है, अगर भगवान की किसी ने सेवा की तो फिर भगवान भी उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। त्रेता में लक्ष्मण छोटे भाई बन के आए, बड़ी सेवा की। भगवान ने कहा अब की बार हम अपने छोटे भैया की सेवा करेंगे, तो अब की बार शेष जी बड़े भैया बन के आ रहे, अब भगवान सेवा करेंगे। सातवें गर्भ के रूप में शेष जी का, जो बलराम के रूप में आए योग माया के द्वारा, उस बच्चे को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, नंद किया। ये रोहिणी कौन थी? ये रोहिणी वसुदेव की पत्नी थी। और जिस समय कंस ने देवकी को जेल में डाल दिया, तो वसुदेव ने तत्काल बरातियों से कह दिया, हमारे घर पे सूचना कर देना, जब ये अपनी बहन को जेल में डाल सकता है तो वो भी तो इसी की बहन है, ऐसा उनको जेल में डाल दिया। तो कहले हमारी जितने भी वहां पर रानियां हैं उन सभी से कह देना, कहीं चली जाए, कहीं रिश्तेदारी में चली जाए, प्राण बचाए, घर सूना कर दे। तो कोई तो कहीं चली गई, लेकिन रोहिणी नंद के यहां गई। नंद कौन थे? नंद वसुदेव के परम मित्र थे, और दोस्ती में, संकट में दोस्ती काम आता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखिए चारी। संकट हो संकट में अपने मित्र को याद करो, और मित्र अगर साथ निभाए तो सब लोग उससे बढ़कर के भी भाई भी नहीं होता है। कहां रही वो दोस्ती, कहां रहे वो मित्र, नोटों में ही बिक गए रिश्ते सभी पवित्र। बाबा नंद नौ भैया थे, वसुदेव ने सोचा हमारी अर्धांगिनी की वहां रक्षा हो जाएगी, मित्र क्या भेज दिया। वहां बलराम ने जन्म लिया सातवें पुत्र के रूप में। भगवान ने योग माया से कहा, जब हमारा प्रादुर्भाव हो जाए तो तुम यशोदा के पास कन्या बन के लेट जाना, और जब हम यशोदा के पास आए तो तुम जेल में आ जाना, और जेल में आकर के अब कंस को बता देना, इसे भयभीत कर देना पहले से। दुश्मन को अगर कमजोर करना है तो उसके हृदय में भय उत्पन्न कर दो। ये राजनीति होती है, भय के कारण न तो दिन में चैन आएगा न रात में नींद आएगी। तो कहने भगवान भी कहते हैं कि उसको भयभीत करना है, किसको? कंस को। जब तक हमारी उम्र 11 साल की हो तब तक वो भयभीत रहे। अब भयभीत जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है। न मारना चाहो ज्यादा भयभीत कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसे अटैक पड़ जाता है। तभी तो भगवान ने कंस को मारा था। कंस को तो बहाना था कि मारना, वो तो पहले ही मर गया था, उसे अटैक पड़ गया था। नारद जी से पूछा था कि गुरुजी हमें बताओ हमारा काल कैसा है, तो नारद ने कहा तुम्हारा काल काला काला है। काला कहे हाँ, तो कंस अगर दाल खाता और दाल में काला जीरा पड़ा होता, कंस कहते हाय हटाई ले जाओ, जो जीरो ना जो हमारो काल हुए पेट हमारो फाट डरी। अब सोचो इतना भयभीत था। भगवान कन्हैया ने कंस को कैसे मारा? न कोई तीर न तलवार, नहीं तो 60,000 हाथियों का बल, और उसे ऐसे मुक्के से मार देना। इतना वो कृष्ण से भयभीत हो गया था, इतना भयभीत हो गया कि कृष्ण को सामने देखा और कन्हैया ने छलांग लगाई और सिंहासन उसके केस पकड़े थे, तो ऐसा उसको अटैक पड़ा, प्राण पहले निकल गए। भगवान ने बाद में खींच के डाला था।
मैं मुक्के से मर जाए। अब भगवान ने मुक्के से मारा था उसे, भय उत्पन्न कर दिया, इतना भय उत्पन्न कर दिया कि तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। ये उस महामाया ने कहा, उसी दिन से भयभीत तो हो गया, हाय काल हमारा जन्म ले चुका, अब चैन नहीं उसे आता था। भगवान ने कहा महामाया से, उसके हृदय में तुम भय उत्पन्न कर देना। महामाया कहने, मैं ऐसा करूंगी, मैं कन्या बनूंगी, कंस के हाथ में जाऊंगी, अब पता नहीं छूट पाऊंगी कि नहीं छूट पाऊंगी, भाई खतरे का काम है, तो मैं इतना काम करूंगी तो हमें क्या मिलेगा। भगवान ने कहा अरे महामाया, तुम अष्टभुजी नवदुर्गा पुकारी जाओगी, दुष्ट को मारने में हमारा सहयोग करोगी, भक्तों को सुख होगा, इसलिए एक बात बता दें, भक्ति तुम्हारी पूजा करेंगे, और साल में हर देवता की एक बार पूजा होगी, तुम्हारी साल में दो बार नौ नौ दिन पूजा होगी। ज्यादा से ज्यादा पुजारी कलयुग में देवी के ही मिलेंगे। अब आज इस प्रकार से जिस समय देखा सातवां गर्भ सूचित कर दिया, वसुदेव ने खंडित हो गया, खंडित नहीं हुआ भाई बलराम। अब कंस ने सोचा कि सात गर्भ जो है, अब तो आठवें की बारी है, इसमें हमारा काल जरूर होगा, अब ऐसे इनको नहीं रख सकते। तो कंस ने क्या किया, सात फाटकों के अंदर एक कोठरी बनवाई और उसकी दीवारें लोहे की चादर से तनवा दी। अब वसुदेव देवकी को उसमें बंद कर दिया, हथकड़ियां बेड़ियां जिसमें चाबी नहीं लगेगी। कंस ने उसको सीसा जो नहीं सीसो होता है उसे पिघला करके हथकड़ी बेड़ियां जड़ दी थी, ये काटी जाए तभी खुले, चाबी से नहीं खुले। वसुदेव देवकी को कैद कर दिया, उस कोठरी में डाला कि वहां तक जाने के लिए और सात फाटक पार करने हो, और उनमें डबल ताले, पहरेदारों के पहरेदार गुप्त दूतियां लगा दी। और आठवें गर्भ की बारी है और कंस की यहां तैयारी है, कंस की यहां तैयारी। राजा था पहरेदारी पर और जेल बहन बेचारी, समय देखा वसुदेव देवकी जेल के अंदर है, जहां दीपक की रोशनी नहीं है, जहां सूर्य की रोशनी जा नहीं सकती, और दीपक की रोशनी की नहीं, और उस कोठरी में अंधकार है, और कोई व्यक्ति अगर अंधकार में रहे दो चार छह महीने सात महीने और एकदम से उसे बाहर निकालो, सूर्य की किरणें पड़े तो आंखों की रोशनी चली जाने का डर रहता है। कंस कहता है उसकी आंखों की रोशनी चले जाए, अंधा हो जाए भाई। अच्छा, जब सात माह का गर्भ हो गया तो कंस ने देवकी को भोजन देना बंद कर दिया। सात महीने का जब गर्भ होता है तब माता को पौष्टिक आहार दिया जाता है ताकि उसके शरीर में कमजोरी ना आए, लेकिन कंस ने क्या किया, पौष्टिक आहार देना तो दूर है, उसने भोजन देना बंद कर दिया। क्यों, कि जब उसके पेट भर के उसे भोजन नहीं मिलेगा तो देवकी की संतान बहुत कमजोर होगी, जिसे मैं आसानी से मार सकूंगा। संतान को मारने के लिए अब कंस क्या करता है, देवकी को कष्ट दे रहा है। जब आठ माह पूर्ण हो गए, नवा महीना लगा, तो कंस ने देवकी को जल देना बंद कर दिया। क्यों, जब सात नवा महीना प्रारंभ हो जाता है, आठ महीना पूर्ण होते हैं, तब माता को ऐसी औषधि दी जाती है जिससे शरीर में पानी की कमी न हो,
और जिस माता के शरीर में पानी की कमी हो जाती 90 महीने में उसी के बच्चे को सूखा रोग हो जाता है। तो इसीलिए कंस ने देवकी को जब 8 महीना गुजर गए 9वां महीना प्रारंभ हुआ तो पानी देना बंद कर दिया। अब अंदाजा लगाना जिसने 2 महीने से भोजन न किया हो अब तो पानी देना भी बंद कर दिया। दूसरे 6 पुत्रों का दुख है। अब देवकी बैठ नहीं पाती है, बाल जिसके उलझे हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़े पड़े जख्म हो गए। देवकी कहती है स्वामी लगता अब हमारे प्राण नहीं बचे, जरा थोड़ा मेरे पास में आ जाओ, हम तुम्हारे चरण पकड़ ले क्योंकि हमारे प्राण निकलना चाहते हैं, भोजन नहीं मिला। अब तो भैया ने जल भी देना बंद कर दिया। वसुदेव कहेंगे प्रिय तुम अगर मेरा साथ छोड़ दोगी तो फिर हम अकेले कैसे रह पाएंगे, जिसने हमारे 6 पुत्रों को मारा है क्या हम उससे बदला नहीं लेंगे। और इसलिए धैर्य धारण करो, हृदय को मजबूत करो। कब सुधिली जो भगवान, जेल के अंदर दोनों रो रहे हैं और भगवान को याद करते हैं कि कब सुधिली जो भगवान, प्रभु भक्तन के हितकारी सुधिली जो पथ राय गई अखिया, पथ के रत पथ राय गई अखिया, कांटे बन गई बागों की कलिया, कांटे बन गई बाग की कलिया। नाव मेरी पद धार फसी प्रभु, रह गई तेरे सहारे जीवन को कौन बचावे, मम जीवन को कौन बचावे, अपने हुए पराए भगवान। क्या कोई ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन को जेल में डालेगा है? अपने हुए क्या दोस्त दुनिया वाले सुधिली जो भगवान, कब आई हो बंसी वाले सुधिली जो भगवान, प्रभु चक्र चुदर चनधारी कब सुधिले जो भगवान। अपने जब पराए हो गए आंखों से आंसुओं को बहा रहे, वसुदेव को लगा कि देवकी का प्राणांत हो गया और देवकी ने वसुदेव के पैर पकड़े बेहोश हो गई। वसुदेव समझे हैं देवकी का प्राणांत हो गया, अब देवकी को उठा रहे, उठो प्रिय, ऐसे रास्ते पर तुमने साथ छोड़ा है, हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। और एकदम से अपना सर दीवार से मारने लगे,
भक्त जब व्याकुल होता है तो भगवान आ जाते हैं। अरे भक्त जब पुकारे भगवान तोड़े चले आते, दर्द अपने भक्तों का, दर्द अपने भक्तों का, प्रभु बचाते हैं। भक्त जब पुकारे भगवान दौड़े चले आते, भक्त जब पुकारे भगवान दौड़े चले आते, लाज अपने भक्तों की आके प्रभु बचाते। वसुदेव रोए देवकी बेहोश है, उसी समय जेल के अंदर लपाका सा हुआ। जिस कोठरी में कोई रोशनी का प्रबंध नहीं, अचानक उस कोठरी में दिव्य प्रकाश हो गया, जैसे हजारों सूर्य उग गए हो। वसुदेव ने उस रोशनी को देखा तो रोशनी के बीच में एक दिव्य मूर्ति दिखाई दे रही है। अब वसुदेव से मुस्कुरा कर बोली, वसुदेव दुखी ना हो, तुम्हारे दुख को देख करके हमसे रहा नहीं गया, हमारी आने की बेला हो गई, और जब हमारा आगमन हो तो मुझे इस कंस की जेल से दूर कर देना, नंद के यहां पहुंचा देना, नंद के यहां तुम्हें कन्या मिलेगी, उस कन्या को यहां ले आना, और कंस को गुमराह कर देना कि देवकी के गर्भ से पुत्र ने नहीं पुत्री ने जन्म लिया। इतना कहते ही मूर्ति जो थी वो अदृश्य हो गई। वसुदेव ने सोचा लाओ इसके चरण पकड़ लें, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, गिर पड़े, मूर्ति अदृश्य हो गई, फिर अंधेरा हो गया। अचानक क्या देखा, देवकी को होश आ गया। देवकी एकदम से कहने, स्वामी अब तो हमें शक्ति आ गई, ऐसा लगता मुझे भूख ही नहीं लगी, न प्यास लगी, शरीर एकदम से जैसा फूल जैसा हो गया, ऊर्जा आ गई है, शक्ति आ गई है। वसुदेव ने कहा, प्रिय शक्ति नहीं, शक्ति दाता आ गए, अभी हमें भगवान ने दर्शन दिए, अब उनकी आने की बेला हो गई। आकाश मंडल में सभी देवतागण हैं, भगवान का निवेदन करते हैं, नैवं विदामो भगवन प्राणिरोधम चराचरस्य खिलशतुधाम। आदेश दिया, तुम जाओ ग्वाल वालों के रूप में, गऊओं के रूप में, लताओं के रूप में, पक्षियों के रूप में अवतरित हो गोकुल में, हमारी आने की प्रतीक्षा कर दो। सभी चल दिए वनम वृंदावनम ना प्रसव्यम वन काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याति तृण वीरुद। भगवान की सेवा करने के लिए जितने भी देवतागण हैं गोप ग्वालों के रूप में आए, भगवान की सभी ने सेवा की, पक्षियों ने सेवा की, गऊओं ने सेवा की, बछड़ों ने सेवा की, लताओं ने सेवा की, वृक्षों ने सेवा की, हर किसी ने, यहां तक कि जो वहां की मिट्टी है उसने भी सेवा की भगवान। वनों में जो सुंदर वन है वृंदावन,
समस्त जाओ तुम और ग्वाल वालों गौओं के भेष में अवतरित हो, हमारी आने की प्रतीक्षा करना। तो आज कहते हैं वहां गोपिकाएं जो हैं वेदों की ऋचाएं बन गई भगवान के दर्शन के लिए। वहां पर वृंदावन में जाकर के और आज देवता गण सभी गोप ग्वालों के रूप में हो गए, सभी आ जाए। भगवान का जब आगमन होता है तो कौन सोता है? दुष्ट, कि भगवान के आने की बेला हो गई। तो कंस के जितने पहरेदार थे सब सो गए। फाटक के पहरेदारों बेहोशी छाती जाती है, पूरब से दिशा राजसी की, पूरब की ओर चंद्रमा निकल रहा है, पूरब से दिशा राजसी की कुछ कोर निकलती आती है, पूरब से मंडल पर कुछ देवचिन चित्र से दिखाई देते हैं। आओ जगधर आओ जगपति ये बोल सुनाई देते। आकाश मंडल में सभी देवतागण छाए हैं। आओ दीन बंधु आओ दयाधाम, भक्त तुम्हारा इंतजार करते हैं। बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र लगा है, भादव मास कृष्ण पक्ष तिथि अभी सप्तमी है, 12 बजे के बाद अष्टमी। तो आज जैसे देखा हमारे भगवत प्रेमियों जहां अर्धरात्रि की बेला, बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ, नक्षत्र सभी अनुकूल है, कोई प्रतिकूल नहीं, हरित क्रांति छाई है, कोयल कुहू कुहू की आवाज लगा रही, मयूरों की सुंदर तान हो रही है, जहां पर देखते हैं वहां खुशी का ठिकाना नहीं। बादल घिर घिर के आते हैं, भगवान की आने की बेला हो रही, वसुदेव देवकी दोनों बैठे हैं। वसुदेव देवकी को रोते थे काली कमली में, थे श्रद्धा का जल लिए हुए उस जकड़ी हुई अंजलि में। आओ प्रभु दीन बंधु अवतार लो, हमारे कष्ट मिटाओ। थाल पूजा कले कर चले आइए, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा। पूजा कले कर चले आइए, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा। सभी अपने अपने हृदय में ऐसा भाव बनाए कि भगवान अवतार ले रहे हैं। थाल पूजा कले कर चले आइए, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा। पंडे हरि पार कर आइए, पूर्वंदे प्रतीक्षित मेरे नाथ घर है। बहु प्रतीक्षित मेरे नाथ हृदय है मेरा। सभी भगवान का आकाश मंडल में देवता गण छाए हैं,
कोई मृदंग बजा रहा है, तो कोई शंख ध्वनि कर रहा है, कोई माला जाप कर रहा है, कोई गुफाओं में हवन कर रहा है, कोई भगवान का नाम ले रहा है। आकाश मंडल में देवतागण सब छाए हैं, भगवान की आने की बेला हो रही है। भगदड़ कोई नहीं मचाएगा। अभी आप बालकृष्ण के दर्शन करेंगे भगवान के। आइए, जैसा कि मैंने कहा था, थोड़ी देर के लिए विनती भगवान की हो जाए ताकि प्रभु आ जाए, अब हम सभी के कष्टों को दूर करें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवान। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवान। गोकुल हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय का ध्यान करें, ऐसा भाव बनाएं कि आकाश मंडल से प्रभु मधुर मधुर मुस्कान मोर मुकुटधारी अधरों पर बंसी रखे हैं, पीत वस्त्र धारण किए बनमाली घनश्यामा पीत भाषा मनोहर कांची कला परिशुलो लसत मुकुट कुंडला कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हमारे बीच आ रहे हैं, ऐसा भाव बनाएं। अब फिर कोई कामना ले आना अपने हृदय में, मैं वादा करता हूं कामना सिद्ध हो जाएगी। कृपा करें, जो सहिष्णुता में आपकी लीला हो, उस लीला को देख करके श्री संत जन प्रफुल्लित हो। आपका कौन मरब जानता है, आप इस धराधाम पे आए अपने दर्शन दे करके मुझे संतुष्ट करें प्रभु। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक मन। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। अभिमति गोतीतम चलितम माया रहित मुकुंद। अभिमति के इशारे पे चलती है प्रभु। आप घटघटवासी हैं, आप अच्युत हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपका चरित्र पुनीत है, इस पवित्र चरित्र के मुझे दर्शन कराइए प्रभु। हम तुम्हारे चरणों की आशा लिए बैठे हैं। जय लाली रानी अनुरागी विगत मोहमुनिन। जय लाली रानी अनुरागी विगत मोहमुनिन। Jai Hind, 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 Jai
स्वरूप हो। आप आओ प्रभु, आओ दीन बंधु, आओ दया धाम। आकाश मंडल में देवता गण छाए हैं।